वो गुरु दत्तात्रेय थे। उसके बाद भी बहुत सारे पूर्ण, मैं पूर्ण अवतरणों की बात कर रहा हूँ, गुरु का पूर्ण अवतरण। उसके बाद मोजेस, जोरास्ट, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद साहब, नानक साहब और हमारे लास्ट में शिरडी के साईं बाबा, वो आखिरी 10वें गुरु हैं हमारे। समझ आ गया पॉइंट ये? पर इसको आप जान नहीं सकते, ये तो मैंने बता दिया आपको, पर इसका आपके पास कोई सबूत नहीं है। तो वो सबूत कैसे मिलेगा, इस सत्य को आप कैसे जानोगे? क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कि हम जब तक मनुष्य हैं सत्य को नहीं जान सकते। तो इसका मतलब आज इस स्थिति में आपको नहीं जान सकते कि सामने ये जो फोटो है ये आदि गुरु दत्तात्रेय भी हैं, ये तो आप नहीं जान सकते, किसी भी हालत में नहीं जान सकते ना। तो पर जान सकते हो अगर आपकी इच्छा हो। तो हम 3 4 5 मिनट या 3 बिठाएंगे आपको, आप ऐसे हाथ खोल लें। आप सब मानते हो दत्तात्रेय को? और ऐसे हाथ खोल लें, आराम से माँ को देखें जैसे हम अपनी माँ को प्यार से इज्जत से देखते हैं, और उनसे एक प्रार्थना करें कि श्री माता जी कृपया मुझे ये अनुभव कराइए, ये ज्ञान कराइए कि आप ही आदि गुरु दत्तात्रेय हैं, आप ही सभी गुरुओं की गुरु हैं। जब आप दिल से माँ से मांगोगे तो वो आपको कुछ अनुभव कर, आंख नहीं बंद करनी है, कुछ आपको नहीं करना है, करना सारा उन्होंने है। आपने तो एक इच्छा करके माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ मुझको ये ज्ञान दीजिए, मुझे अपनी पहचान कराइए कि आप ही श्री दत्तात्रेय महाराज हैं। अगर बहुत से लोग दत्तात्रेय जी को नहीं मानते हैं, किसी और देवी देवता को मानते हैं, तो वो अपने इष्ट देव का नाम लें, जैसे शिव जी का, दुर्गा का, जिसको भी आप मानते हैं, कि माँ क्या आप ही मेरे वो इष्ट देव हैं, कृपया मुझे इस सत्य का अनुभव कराइए। और 4 5 मिनट हम बैठेंगे आराम से, मुझे कुछ नहीं करना, आपको भी कुछ नहीं करना, करना उन्होंने है। जब वो खुद ही आपको अनुभव कराएंगी, जब आपकी आंखें बंद होने लगे तो बंद कर लेना, ये जब शक्ति आएगी तो आंखें बंद होना चालू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। अभी आंखों पे भारीपन आना शुरू हो गया है, आप कहें माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, कृपया मुझे सत्य का अनुभव कराइए, मेरा योग ईश्वर से कराइए। गुरु का एक ही काम होता है कि आपको वो परमात्मा से मिलाए। और आंखें अगर बंद होने लगें तो कर लेना, जबरदस्ती ना खोल के रखनी है ना जबरदस्ती बंद करनी है। आपके दोनों हाथों में कुछ सेंसेशन आने लगी होगी, धड़कन सी, हैवीनेस, कोई टिंगलिंग सी, या कुछ ऐसे लग रहा होगा जैसे एक हाथ में अलग फीलिंग है और दूसरे हाथ में अलग फीलिंग है, और मन भटक नहीं रहा है, बहुत शांत हो गया है पहले से। जब आपको लगे आंख खोलनी है तब खोलना, जब वरना इस पावर को काम करने दो। बॉडी चार्ट लगाओ, धीरे धीरे रुको, धीरे धीरे आंखें खोल के माँ को देखो, ध्यान उन्हीं पे रखो। राइट हैंड ऐसे ही रहने दो माँ की तरफ, लेफ्ट हैंड को अपने तालू भाग पे रखो और थोड़ी सी गर्दन झुका लो,
हाथ को सिर से दूर कर लो, बालों को नहीं छूना, बालों से दूर, आंख बंद करके पूरा ध्यान लगाकर महसूस करो कि क्या आपके सिर के अंदर से कुछ निकल रहा है, हल्का सा ठंडा हो सकता है या हल्की गर्माइश हो सकती है। अब इसी हाथ को माँ की तरफ कर लो, राइट हैंड से चेक करो, बालों को नहीं छूना। अगर नहीं पता लग रहा किसी को तो कहे, माँ मैंने सब को क्षमा कर दिया, माँ मैंने सब को क्षमा कर दिया, माँ मैंने सब को क्षमा कर दिया। एक बार फिर लेफ्ट हैंड से चेक करें और राइट हैंड माँ की तरफ। थोड़ा ध्यान दें कि क्या हमारे दोनों हाथों में एक ही जैसा अनुभव है या थोड़ा सा अलग है। धीरे धीरे दोनों हाथ माँ की तरफ, दोनों हाथ अपने हार्ट के लेवल में, आंख खोल के माँ को देखें। थोड़ा ध्यान दें कि आपके दोनों हाथों में क्या लग रहा है, कहाँ पे लग रहा है, हाथ में बराबर है या दोनों में अलग अलग है। अब जिनको भी लग रहा है हाथों में, या जिनको सिर के ऊपर लगा, या जिनका मन थोड़ा शांत हो गया, वो ये जानने के लिए कि कौन सी शक्ति है जिसने ये हमारे जो हमारे हाथों में आ रही है, और ये तो मालूम ही पड़ गया कि ये श्री माता जी ने दी है, तो ये पावर को जानने के लिए धीरे धीरे दोनों हाथ बिल्कुल सिर से ऊंचे उठाते हैं, आकाश की तरफ देखते हैं आंखें खोलकर, और एक सवाल ऊपर कर लो गर्दन आकाश को, एक सवाल पूछो अपने मन में, श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है, श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है, श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है। ऐसा पूछने से जो कुछ पहले महसूस हो रहा था, क्या उसमें कुछ बदलाव आता है। थोड़ा सा ध्यान दें, शुरुआत है, बाद में तो ये हमेशा आएगा। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, उन्हीं को देखें। क्या कोई बता सकता है कि उसको कहां पर महसूस हुआ और कहां महसूस हुआ? हाँ, उंगली लगा के जरा बताओ, और आप जरा बॉडी चार्ट लगाओ। आपको मैंने नहीं बताया था कहां पे क्या महसूस होगा, ठीक है? इसका मतलब है कि ये साइकोलॉजिकल नहीं हो रहा, आपको हो रहा है तो आपने मुझे बताया, तो यानी ये किसने कराया? श्री माता जी ने। इसका क्या मतलब है कि वो आपके मन की एक एक बात को जान रही हैं। फोटो जान सकता है? नहीं जान सकता ना, किसी का भी नहीं जान सकता, किसी देवी देवता का भी नहीं जान सकता। तो ये माँ आपको सबको व्यक्तिगत रूप से जानती है, उन्होंने आपको बनाया है। तो ये आपने पूछा था कि माँ क्या आप ही दत्तात्रेय जी हैं या ईष्ट देव हैं मेरे, उसके रेस्पॉन्स में आपको माँ ने ये जवाब दिया है। इसका मतलब है आपकी हर थॉट प्रोसेस को जानती हैं, आपके पूरी बॉडी को वही कंट्रोल कर रही हैं, तभी ये घटना होगी ना। अब बीच में क्यों आया? बॉडी चार्ट लगाओ, बॉडी चार्ट और लगाओ, ऊपर होगा या तो सबसे ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। ये सबसे नीचे जो कुंडलनी शक्ति बैठी है, देखा ना, स्प्रिंग जैसी सैक्रम बोन है ये, और जो छोटा बच्चा होता है तो यहाँ तालू के ऊपर ऐसे धड़कती होती है, पल्सेशन होता है ना तालू पे, ये बंद होने के बाद ये पल्सेशन नीचे आ गया है सैक्रम बोन में, ये द्वार बंद हो गया है। तो अब श्री माता जी से जब हमने प्रार्थना करी है तो यही कुंडलनी शक्ति बीच की नाड़ी से ऊपर गई है। जब ये यहाँ आई थी तो आपको खुद लगा होगा कि मेरी आंखें कुछ भारी भारी सी हो रही है, नींद सी आ रही है, बंद हो रही है, ऐसा कुछ अनुभूति हुई आपको ना उस वक्त जब मैंने कहा था उस टाइम? क्योंकि आपके एक एक व्यक्ति के शरीर का मुझको पता लगता है यहाँ बैठ के, इसलिए मैं बोल रहा था। फिर ये द्वार खुला तो आपकी आंखें बंद हो गई, फिर इसको पार करके ये शक्ति बाहर निकली है, बाहर ईश्वर की शक्ति है, कण कण में भगवान कहते हैं। तो आपकी पावर जो अंदर से आ रही है और बाहर
जो नियर जो बिल्कुल गॉड की पावर है हर तरफ, वो दोनों यहाँ आकर आपके हेड के ऊपर आकर कनेक्ट हो गए। तो आप अब बॉडी से बाहर आ गए हो, इसी को पार होना कहते हैं। कहते हैं ना गुरु का एक ही काम है, वो भव से पार करा दे, ऐसे होता है ना। तो भव सागर आपके शरीर में आप देख रहे हो, ये नाभि के चारों तरफ एक बहुत बड़ा हरा घेरा है, इसी को वॉइड कहते हैं, वॉइड या भव सागर। इसी को पार कराने के लिए गुरु की मदद की जरूरत पड़ती है। तो सद्गुरु का एक ही काम है कि वो आपको परमात्मा से मिलाए, ये भव सागर पार कराए। अब आप देख रहे हैं कि इस हरे घेरे में बीच में पैसेज नहीं है, खाली है ना जगह, क्योंकि यहाँ नाड़ी नहीं है, बीच में कुंडलनी है सबसे नीचे, और बीच वाली नाड़ी शुरू हो रही है इस हरे घेरे से ऊपर सुषुम्ना से। तो हमारी बॉडी में भी क्या होता है, वेगस नर्व का एंड कहीं कनेक्टेड नहीं होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहाँ पे जाके कनेक्ट, पैरासिम्पैथेटिक से वो कनेक्टेड नहीं है, अलग है वो। तो वो जो छोटा सा गैप है फिजिकली, वो ये गैप है इससे सूक्ष्म रूप में। तो गुरु का काम होता है कि इस गैप को अपनी शक्ति से भरे, अपनी पावर से आपके शरीर में भरे, और ये कुंडलनी का तो फिर मार्ग मिल गया ना, फिर ये ऊपर चढ़ती चली जाएगी। तो आपके पावर से नहीं होता है, इंसान की पावर से नहीं होता है, गुरु, इसलिए गुरु जरूरी होता है। तो अब माँ ने सब काम करा दिया ना आपका एक सेकंड में, तो आपको समझ आ गया माँ ही गुरु हैं, माँ ही परमात्मा है। और जब आप इसको डेली करोगे तो वो आपकी छोटी से छोटी समस्या को सॉल्व करेंगी, चाहे वो कैसी भी है, चाहे पैसे की है, चाहे एजुकेशन की है, चाहे घर गृहस्थी के झगड़े हैं, चाहे क्लिनिक की है, एनी प्रॉब्लम, वो छोटे बच्चे की तरह आपको करेगी। तो 10-15 मिनट सुबह शाम ध्यान करें माँ की फ़ोटो के आगे, तो ये पावर बढ़ेगी। जो भी कुछ कहना है उनको कहें, वो आपके लिए काम करेंगी, देखभाल करेंगी। अब मेरा सवाल था कि ये आपको यहाँ क्यों आया है ना, तो ये हालांकि हमारा कोई सहयोग का कार्यक्रम करने का कोई प्रोग्राम नहीं था, आज गुरु पूर्णिमा होने के कारण खुद ऑटोमेटिकली गुरु दत्तात्रेय ने ये सब ऑर्गेनाइज कर दिया है, ऐसा कोई भी कार्यक्रम था नहीं ना हमारा। तो ये बीच की नाड़ी, अब आप देखें लास्ट में टॉप पे 7वां चक्र है, नीचे से जाते ना 7th ये है, और हथेली के बीचों बीच भी आप देख रहे हैं सेम कलर दिख रहा है ना आपको। तो ये पार कर गया तो आपको यहाँ पता लगने लगा, पार नहीं होते तो फिर नहीं पता लगता आपको। तो ये प्रूफ है, फेथ नहीं है, समझ आया। दोनों हाथों में किस किस को बराबर लग रहा है और किस को अलग लग रहा है, अलग भी काफ़ी लोगों को लगा, क्यों लगा अलग, आप ये देखें एक नीली नाड़ी है लेफ्ट साइड में, फर्स्ट से चल के ऊपर जा रही है, तो इसको ईडा नाड़ी कहते हैं, ईडा मानी लेफ्ट सिंपैथेटिक चैनल नर्वस सिस्टम। तो इसमें सारा इमोशंस होता है, पास्ट जो कुछ भी हमारा भूतकाल है बीत गया, हमारा इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का, इस गैलेक्सी का, संपूर्ण सृष्टि का जो भूतकाल है वो सारा ऊपर एक ब्लू कलर का दिख रहा है ना गुब्बारा, लेफ्ट का अपर एंड, तो वहाँ सब कुछ स्टोर है, यानी संपूर्ण सृष्टि जब से बनी है आज तक हर इंसान के शरीर में मौजूद है। अब इसको पावर कहाँ से मिलती है, मून से, इसलिए सारे इमोशंस मून से जुड़े हैं, है ना, सारी कहावतें हमारी मून से जुड़ी है। बीमार हो जाता है तो उसको ल्यूनेटिक बोलते हैं, मानसिक, है ना, जितने भी एपिलेप्सी ये वो सब चीज़ें होती हैं सारी, फुल मून नाइट या नो मून अमावस्या, उन्हीं दिनों बढ़ती है ना, ये सारे जादू टोने भी इन्हीं 2 दिन किए जाते हैं, क्योंकि वो मून से जुड़े हुए हैं सब कुछ, भूतकाल से। तो इसलिए जब मर जाता है उसको भी कहते हैं भूत हो गए, तो मून से जुड़े हैं, तो ये पावर मून से चलती है, हमारी सारा इमोशन मून से चलता है। इसलिए कल हमने बाई चांस एंटिम क्रूड पढ़ी जो मून से जुड़ी है, ये सब एक वेल प्लान गॉड का प्लान होता है कि कौन सी दवाई पढ़नी है, क्या पढ़नी है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरे साथ सब चीज़ें होती है, कर मैं बादशाह की तरह हूँ, बस एन्जॉय करता हूँ, काम नहीं करता हूँ कभी भी। जबकि मैं तुमसे अगर वैसे देखोगे तो मैं तुम सबसे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, सुबह 4:30-5 बजे उठ के रात के लगभग 11:30-11 सोता हूँ, और मैं नॉन स्टॉप काम करता हूँ।
वैसे मैं कुछ नहीं करता हूँ, जस्ट एंजॉय करता हूँ। अच्छा, ये हो गया। और जो राइट चैनल है उसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं, यानी ये हमारे अंदर फिजिकल और मेंटल काम करने की कैपेसिटी देती है। इसकी पावर कहाँ से आती है? सन से। इसलिए जब सूर्य उगता है तो फिर हम काम अच्छा करते हैं, सूर्य नहीं होता तो काम नहीं करते। वो सूर्य के समान तेजस्वी, ऐसे कहते हैं ना। तो ये तेज है हमारे अंदर, लाइट। तो अभी इतना ही रखते हैं, इसलिए दोनों हाथों में आपको अलग अलग लगा, ठीक है। यानी आपको अपने बारे में पहली बार ये ज्ञान आया कि मेरे दोनों हाथों में अलग पावर है। इट मीन्स शुरुआत ज्ञान की अब हुई। अगर आप मनुष्य रहते, कुंडलनी नहीं जागती, तो ये सब जान नहीं सकते थे ना। इसका मतलब मनुष्य लेवल पे आप सत्य को जान ही नहीं सकते। अब विज्ञान से जो कुछ जाना है हमने, कहते ना बहुत सारा सब कुछ विज्ञान से जाना है, पर विज्ञान से अभी तक हमने सत्य को नहीं जाना है। अगर सत्य को जान पाते तो थ्योरी रोज बदल नहीं रही होती, क्योंकि सत्य तो एक ही होगा। झूठ रोज बदलता है, सत्य रोज थोड़ी बदलेगा। ठीक है, आगे समझ में। अब तो कुंडलनी यहाँ से चढ़ती है, इसको पार करके बाहर निकल आई, ठीक है। तो आपका क्या क्या है इसको बढ़ाने के लिए? श्री माता जी का फोटो लें, जब तक नहीं है आप YouTube से माँ का कोई भी लेक्चर निकाल लें, एनी लेक्चर, आगे रख लें श्रद्धापूर्वक, हाथ खोल के ज़मीन पे, अगर नहीं बैठा जाता तो कुर्सी पे बैठें और दोनों हाथ खोल लें, माँ को देखें और सिर्फ जैसे भी तुम्हारी भाव आते हैं उनसे कहें कि माँ मेरा योग ईश्वर से कराओ, या कुछ और कहें, पर ये नहीं कहें कि माँ मेरा ये काम कराओ। वो बाद का चैप्टर है, वो अपने आप करा देंगी, उनको कहने की जरूरत नहीं होगी। जरूरत है उनसे कॉन्टैक्ट होने की, ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ आए, 24 घंटे में हाजिर हूँ आपके लिए। और हमारे हर शहर में सेंटर्स हैं, उसकी लिस्ट आप गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगी, सहजोगा सेंटर नियर मी, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, वो भी आपकी मदद करेंगे। कहीं से भी नहीं मदद मिलेगी, मैं 24 घंटे हाजिर हूँ, मैडम 24 घंटे हाजिर हैं, आपको हर तरह की मदद मिल जाएगी, ठीक है। और जिसको वीडियो चाहिएगा मेरे नंबर को मैसेज कर दे, मैं उसको वीडियो माँ का भेज दूंगा, जहाँ माँ पूरी की प्रोसेस करा रही है, ठीक है। आगे समझ में। तो आज शुरुआत हुई है, बाद में लंच में बात कर लेना, चलो।